सो पार्ट टू की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पार्ट वन का दी एंड हुआ था। युआन भी नहाकर अपने बेड पर आकर सो जाता है, जहां जीहू उसका फोन चुपके से चेक करने की दोबारा से कोशिश करती है, लेकिन तभी युआन अपनी करवट बदल कर अपना हाथ फोन पर रख लेता है। ये देखकर जीहू वहां से सोने के लिए चली जाती है और वहीं युआन काफी मुस्कुरा रहा होता है, यानी कि वो जाग ही रहा था और नौटंकी बाजी कर रहा था। वेल तो नेक्स्ट मॉर्निंग जीहू उससे इतने साल ऑफ रहने का कारण पूछती है कि उसने गेम क्यों छोड़ दिया था, जहां युआन उसे झूठ बोलते हुए कहता है कि एक्चुअली मेरा ना एक्सीडेंट हो गया था। युआन की बात पर यकीन करने के बाद वो उसे मिलने को कहती है, लेकिन युआन उसे फिर से झूठ बोल देता है कि अभी वो फॉरेन कंट्री में है और इसलिए उसे नहीं मिल सकता। वही युआन और जीहू साथ में शॉप पर जाते हैं, जहां जीहू योंग के लिए सामान खरीदती है। ये देखकर युआन जलन के मारे उसे अपनी लिस्ट देकर वहां से चला जाता है, जिसमे उनकी थोड़ी बहुत बहस भी होती है। जीहू युआन से रूम में आकर फिर माफी मांगती है, लेकिन युआन उस पर ध्यान ही नहीं देता, यानी कि उसे इग्नोर मारता है। जहां अचानक से जीहू अपनी ऑनलाइन फ्रेंड यानी कि युआन को फिर से मैसेज भेजती है कि मेरे रूममेट को कुछ गलतफहमी हो गई है, जिसके लिए मैंने उससे माफी भी मांगी है, जिससे कि फिर युआन भी थोड़ा शांत हो जाता है और उसे ये सब काफी अच्छा लग रहा था कि जीहू को उसकी फिक्र है। जिसके बाद युआन तो फिर उसे उठाकर बेड पर ही लेटा देता है। जीहू ये देखकर काफी हैरान हो जाती है, लेकिन उसे काफी खुशी भी हो रही थी। वहीं जीहू और युआन फिर एक दूसरे से डेली चैट करने लग जाते हैं, जहां युआन जीहू के बारे में बहुत कुछ जान लेता है कि तभी युआन के डॉक्टर फिर उसे बताते हैं कि अगर उसने अपने हाथ का इस्तेमाल कम नहीं किया तो वो अपना हाथ हमेशा के लिए खो सकता है। वहीं जब जीहू की लाइव स्ट्रीमिंग की वजह से जीहू की गेमिंग टीम सोशल मीडिया पर पहले नंबर पर आ जाती है, जिसे जीहू की राइवल कंपनी की बॉस वैन देखकर काफी ज्यादा जल जाती है और उन्हें हटाने के लिए वो अपनी एक चाल चलती है। वो जीहू की फूड ब्लॉगिंग कंपनी को जीहू के गेमिंग लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में सब कुछ बता देती है, और अब जीहू ने उस कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखा है, जिससे कि वो कंपनी जीहू को पेनालिटी के तौर पर डेली 5 घंटे लाइव स्ट्रीमिंग करने को कहती है, जिससे कि जीहू तो सोच में ही पड़ जाती है कि वो लगातार 5 घंटे तक खाना कैसे खाएगी। जिसके बाद जीहू युआन को आकर उसकी कंपनी को चेंज करने के लिए कहती है। वही युआन अपनी जानकारी से जीहू के लिए एक कंपनी ढूंढ लेता है, लेकिन जीहू को ये बात नहीं मालूम होती है और वो अपनी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर देती है। थोड़ी देर बाद ही योंग जीहू से मिलने के लिए आता है, जहां उसे जीहू बेहोश मिलती है। वो फटाक से उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, जहां उसे ये मालूम चलता है कि ज्यादा खाने के चक्कर में उसकी ये हालत हो गई है। वही युआन जीहू को जब रूम में नहीं पाता है तो उसे काफी चिंता होने लगती है। वो उसे फोन जैसे ही लगाता है तो युआन उसका फोन उठाता है और उसे सब कुछ बता देता है। युआन भी फटाक से भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है और योंग को उसके घर जाने के लिए बोलता है और खुद जीहू के साथ में वहीं पर रुक जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सारी टीम को भी जीहू के बारे में मालूम चल जाता है, साथ ही उन्हें ये भी पता चल जाता है कि ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि वैन का ही किया धरा है, और इसी का बदला फिर योंग और युआन दोनों उसे लेने के लिए पहुंच जाते हैं। वो लोग वैन की लाइव स्ट्रीमिंग में घुसकर उनको ही बार बार हरा देते हैं, जिससे कि उनकी काफी अच्छी वाली बेइज्जती भी हो जाती है। युआन जैसे ही ये बात अगर जीहू को बता रहा होता है कि वहाँ पर एक टीम मेंबर आकर जीहू के साथ एक नई कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का ऑफर देता है, जिसे सुनकर वो तो काफी खुश हो जाती है और साइन करने के लिए हाँ भी बोल देती है। वो जीहू को युआन की एक ऑनलाइन फ्रेंड के बारे में भी बताने लगता है, जहाँ युआन उसे रोकते हुए वहाँ से भगा देता है और डरते हुए वापस से अंदर आता है, लेकिन जीहू अब सब कुछ समझ चुकी थी और वो उसे सब कुछ सच बताने के लिए कहती है, यानी कि बेचारे अपने हीरो का भांडा फूट चुका था और वो भी उसे सच बताते हुए कहता है कि मुझे उस टाइम लगा था कि शायद तुम किसी और के साथ में चली गई हो और तुमने मुझे धोखा दिया है। जीहू बोलती है कि वो तो यंग था और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। युआन फिर उसे काफी ज्यादा मना रहा होता है और बेचारे की इतनी ज्यादा मेहनत के बाद फाइनली अपनी हीरोइन मान जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जीहू युआन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए चाहती है, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है ना, वो तो इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि ड्रिंक ही कर लेती है। युआन फिर उसे रूम में लाकर बेड के ऊपर लिटा देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जीहू की आंख खुलती है तो उसे याद आता है कि कैसे उसने नशे की हालत में अपने हीरो को किस करने की कोशिश की थी, तो उसे काफी ज्यादा शर्म आने लगती है, जिसके कारण वो युआन से छुपते हुए फिर रही थी और उसे नजरें नहीं मिला पाती है, और युआन भी उसे इन सब के लिए काफी छेड़ने लगता है।
सीन शिफ्ट होता है और इनकी गेमिंग की लाइव स्ट्रीमिंग न्यू कंपनी के साथ में शुरू हो जाती है। लेकिन उसके बीच में ही योंग और युवान की लड़ाई हो जाती है, क्योंकि योंग को युवान को जियो के साथ होने से काफी ज्यादा जलन हो रही थी और इनकी लड़ाई की वजह से इनके टीम की रेपुटेशन पे भी काफी ज्यादा बुरा असर पड़ता है। जियो ये सब कुछ देख कर इसका जिम्मेदार खुद को मान रही होती है कि तभी युवान ये देख कर अपना गेमिंग का पुराना अकाउंट वापस ही खोल लेता है, जिससे कि पूरे गेमिंग वर्ल्ड पर हल्ला ही मच जाता है, क्योंकि वो ठहरा गेमिंग वर्ल्ड का बेताब बादशाह। और ये देखकर पूरी टीम काफी खुश हो जाती है, क्योंकि युवान गेमिंग में बहुत ज्यादा फेमस जो था, जिससे कि उनकी काफी इज्जत होने लगती है और उन्हें उनकी पुरानी रेपुटेशन भी मिल जाती है। ये देखकर योंग अपनी गलती का एहसास होता है और वो युवान से इसके लिए माफी भी मांगता है, जिसके बाद इनको एक न्यू कंपनी की तरफ से एडवर्टीजमेंट का मौका मिलता है, जहां ये लोग एड के लिए पहुंच जाते हैं, जहां एक सिया नाम की मॉडल युवान से काफी चिपकने लगती है और ये पता चलता है कि वो उसकी पुरानी दोस्त है, जिसे अपना हीरो बिल्कुल भी भाव नहीं देता। लेकिन उन दोनों को साथ में देखकर जियो को काफी जलन होने लगती है। जियो अपने दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है, जहां वो युवान को उसकी माँ और शिया के साथ में देख लेती है। युवान जियो को वहां देखकर काफी डर जाता है, क्योंकि जियो उसे गुस्से में घूर जो रही थी। उसके पास जाकर उसे समझाने लगता है कि शिया की माँ और उसकी माँ काफी अच्छी दोस्त है और इसलिए वो वहां पर बैठा हुआ था। जियो उसकी बात तो मान लेती है, लेकिन उससे काफी ज्यादा नाराज होने का नाटक करने लगती है, जिसके बाद युवान लाइव स्ट्रीमिंग करता है, जहां उसके हाथ में दर्द होने लगता है तो वो दवाई खाकर डॉक्टर को दिखाने के लिए जाता है, जहां डॉक्टर उसे साफ साफ मना करते हुए बोलते हैं कि अब उसे गेम खेलना छोड़ लेना चाहिए, वरना इसका अंजाम काफी बुरा होगा ये। और उनकी सारी बातें युवान के दोस्त ने सुन ली थी और वो बहुत डांटता है उसे। युवान उसे चुप रहने के लिए भी बोलता है कि ये बात उसे सबसे छुपानी है, किसी को भी नहीं बतानी है। इसके बाद कॉम्पिटिशन का दिन आता है। युवान का हाथ अभी भी काफी दर्द हो रहा होता है, जिसके कारण वो अपनी टीम को सही से गाइड नहीं कर पाता है और वो लोग पहला राउंड हार जाते हैं। बीच में फिर उन्हें एक ब्रेक मिलता है, जहां शिया युवान को उसकी दवाई देने के लिए आती है, क्योंकि युवान की माँ ने उसे उसके हाथ के बारे में जो बता दिया था। ये सब कुछ युवान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वहीं जैंग फिर पूरी टीम को फिर से मोटिवेट करने लगता है और इसकी बात सुनकर पूरी टीम रेडी होकर दोबारा गेम खेलने के लिए जाती है, जहां वो अब की बार जीत जाते हैं और इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए सिलेक्ट भी हो जाते हैं, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग पार्टी करने का फैसला करते हैं कि तभी युवान घर जाने का बहाना बनाकर डॉक्टर से मिलने के लिए पहुंच जाता है, जहां डॉक्टर ने फिर उसके हाथ पर एक पट्टी बांध दी थी और उसे बोला था कि उसे ऑपरेशन से पहले हाथ को बचाकर रखना होगा। लेकिन युवान उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए पट्टी हटाकर पार्टी में पहुंच जाता है, जहाँ पार्टी में योंग का मूड खराब होता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन में उसका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। युवान फिर से हौसला देते हुए समझाने लग जाता है कि हर कोई एक बार में ही नहीं सीख लेता और सबको मेहनत करनी ही पड़ती है। योंग उसकी बात समझकर दोबारा से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता है। जियो ये सब कुछ देखकर युवान को थैंक यू बोलती है और युवान उससे काफी खुश भी हो जाता है। वही वैन का बॉस युवान की परफॉर्मेंस देखकर उसको अपनी कंपनी में शामिल करने की सोचता है, जिसके लिए वो जैंग से मिलकर उसे उसकी शादी के लिए काफी सारे पैसे भी ऑफर करता है और उसके बदले में युवान से उसे मिलवाने की शर्त रखता है। वही युवान टीम मेंबर से बहाने बनाकर डॉक्टर से मिलने के लिए गया हुआ था, जिससे कि जियो को भी उसके ऊपर शक होने लग जाता है। जियो की टीम को फिर एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जहाँ युवान उनको इंटरव्यू वाली जगह शिया के साथ में मिलता है। अब भाई उसे देखकर तो जियो को काफी जलन होने लग जाती है और वो युवान को फिर से इग्नोर मारने लग जाती है और उसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही होती है, जिससे कि बेचारा अपना हीरो थोड़ा परेशान हो जाता है। और जैसे ही फिर इंटरव्यू खत्म होता है, उसके बाद जियो की फ्रेंड उसे युवान के साथ रहने को कहती है, नहीं तो वे शिया युवान को ले जाएगी। और ये सुनकर जियो फिर युवान के पास जाकर उसकी बहुत ज्यादा केयर करने लगती है, जिसे देखते ही युवान तो काफी हैरान हो गया था कि अरे ये क्या हो गया, क्योंकि जियो ने तो पहले ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं था। बेटा ये जलन है और जलन में तो इंसान कुछ भी कर सकता है। नेक्स्ट सीन में जैंग युवान की मेडिसिन और उसकी पट्टी देखकर उसके बारे में पूछता है, जहाँ वो उसे सब कुछ सच सच बता देता है। जियो तो ये सब कुछ सुनकर काफी ज्यादा रोने लग जाती है और युवान के पास आती है। युवान उसे समझाता है कि वो अब अपना अच्छे से ध्यान रखेगा और ठीक हो जाएगा। जियो बहुत ज्यादा सैड थी, इसलिए वो उसे किस करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके कमीने दोस्त उन्हें ऊपर से ही छुप छुप कर देख रहे थे, जिसके बाद वो जियो के फॉरहेड पर ही किस कर वहां से चला जाता है।
सो गाइस यहीं पर इन एपिसोड का दी एंड होता है, और आगे कैसे कैसे टर्न एंड ट्विस्ट आने वाले हैं, आगे की स्टोरी क्या होगी, ये सब मैं आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप वो चाहते हैं तो फटाक से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल जाएं।